इस क्वेश्चन में तीन रिएक्शन दिया गया है और बोला है इन तीनों रिएक्शन का यील्ड जो है 60%, 50% और 80% है। क्वेश्चन में फर्दर बोला है Cl2 112 लीटर लिए, Cl2 कितना लिए है 112 लीटर एट HTP। KOH 10 लीटर ऑफ 1M लिए, मींस ये 10 लीटर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है 1M। तो हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी 10 मोल्स, 1 लीटर में 1 मोल्स तो 10 लीटर में 10 मोल्स। Cl2 112 लीटर लिया गया एट HTP, तो इसका मोल्स कितना आएगा, इसका आएगा 5 मोल्स। तो इनिशियली Cl2 टेकन इज 5 मोल्स एंड KOH टेकन इज 10 मोल्स। अब देखो पहला काम जो होगा इस क्वेश्चन में, सारे इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। वंस इक्वेशन बैलेंस हो गया है फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं, यहां आप 2 लगाइए तो यहां आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां मैं 3 दूंगा और यहां फिर मुझे 2 देना होगा, तो ये भी बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए यहां 4, तो यहां 3 और यहां कुछ नहीं। तो नाउ वी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, तो देखो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कोई है, देखते हैं रेशियो निकाल के 5:1, 10:2, तो दोनों का रेशियो 5 आया, तो मतलब कोई लिमिटिंग नहीं है, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाने चाहिए। बट क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहता है 60% यील्ड है, तो जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है कंजम्पशन उसका सिर्फ 60% कंजम्पशन हो पाएगा। 60% यील्ड का मतलब होता है मैक्सिमम कंजम्पशन पॉसिबल जो है उसका सिर्फ 60% कंजम्पशन होगा। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन कितना है, Cl2 का कंप्लीट कंबशन कंजम्पशन, तो उसका 60% कितना हो जाएगा -5 × 60/100, तो ये कितना कंज्यूम होगा -5 × 60/100 × 2, इसका प्रोडक्शन +5 × 60/100, इसका प्रोडक्शन +5 × 60/100, तो दिस इज इक्वल टू, ये चला गया ये चला गया, तो ये आया 3 मोल्स और ये भी आएगा 3 मोल्स। तो दिस मींस वी हैव 3 मोल ऑफ KClO एंड 3 मोल ऑफ KCl फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन। अब देखो ये KClO जो यहां प्रोड्यूस हुआ है ये फर्दर रिएक्ट करेगा, तो ये कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये 3 मोल प्रोड्यूस हुआ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं KClO का मैक्सिमम कंजम्पशन पॉसिबल इज 3, बट सिर्फ उसका 50% कंज्यूम हो पाएगा क्योंकि यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 50। तो यहां हम लोग ये 50% कितना आ जाएगा -1.5, तो ये कितना हो जाएगा +1.5 × 2/3, +1.5 × 2/3, इसका प्रोडक्शन +1.5 × 1/3, तो ये कितना हो गया 0.5। अब जो KClO3 प्रोड्यूस हुआ है वो यहां रिएक्ट करेगा, तो इनिशियली कितना है 0.5 मोल्स, इसका 80% रिएक्ट करेगा, मतलब 0.5 का 80%, 0.5 का 80% निकालेंगे 0.4 आएगा, तो -0.4 मोल। ये कितना प्रोड्यूस होगा +0.4 × 1/4, ये कितना प्रोड्यूस होगा
इंटू थ्री बाई फोर। तो क्वेश्चन पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ केसीएल प्रोड्यूस, टोटल मोल्स ऑफ केसीएल प्रोड्यूस, तो कितना कितना है देखें, यहां से थ्री मोल्स, यहां से आएगा थ्री बाई टू है ना, तो यहां से आएगा वन मोल, ठीक है, यहां से आएगा 0.1 मोल। सो नेट अमाउंट ऑफ केसीएल प्रोड्यूस इज थ्री मोल, वन मोल एंड 0.1 मोल। तो केसीएल प्रोड्यूस इक्वल्स टू 3 प्लस 1 प्लस 0.1 विच इज 4.1 मोल्स। सो नेट केसीएल प्रोडक्शन इज 4.1 मोल।